मृत्यु के बाद क्या जीवन संभव है? इंसान को मृत्यु से बहुत डर लगता है, वो डरता है, मरने से डरता है, खोने से डरता है। जो उसने प्रॉपर्टी बनाई, जो उसने रिश्ते बनाए, जो उसके बच्चे हैं, उनको खोने से डरता है, खुद के शरीर को भी खोने से डरता है। तो इंसान डरा हुआ इतना है, उस डर के कारण या इस डर से बचने के लिए उसने कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी शुरू की हैं, ऐसी कुछ विधियां बनाई हैं, ऐसी कुछ कल्पनाएं की हैं जो मृत्यु के बाद की हैं। तो उन विषयों की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया मन की गहरी परतों से संबंधित हर एक छिपी हुई राज की बातें आप तक वीडियो फॉर्म में लेकर आता रहता हूं। इंसान चाहता है कि वो जीवित रहे, उसके आसपास वाले भी जीवित रहे, लेकिन जीवित हमेशा रहना संभव नहीं है। मृत्यु तो आती ही आती है, लेकिन कई बार ये मृत्यु इंसान को तोड़ भी देती है। जैसे जवान बेटे की मृत्यु होना, पत्नी के सिर से पति का साया उठ जाना और पत्नी का बेघर हो जाना, ऐसी मृत्यु की घटनाएं स्वीकार्य नहीं है। इंसान पागलपन तक पहुंच जाता है। तो हमारे विद्वान पूर्वजों ने कुछ ऐसे कंसेप्ट समाज में स्थापित किए ताकि इंसान को पागल होने से, दिमागी संतुलन खोने से बचाया जा सके। तो उन्होंने मृत्यु के बाद जीवन होने की या आत्मा आसपास रहने की कल्पनाएं या उनके अस्तित्व की बातें मानवता को बताई। कुछ लोग इनमें विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग इनमें विश्वास करते हैं वो आशावादी लोग होते हैं और आस पर जीवित भी रह लेते हैं कि चेतना या जो उनका प्रियजन है, उनकी आत्मा चेतना उनके आसपास ही हैं, तो वो उसके साथ है, तो उनको अच्छा फील होता है, आभास होता है कि वो पास हैं, तो उनके दिन या उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लग जाती है। ये साइकोलॉजिकल पहलू है। इससे फ़ायदा भी होता है कि इंसान टूटने से बच जाता है, अकेलेपन का एहसास उसे कम होता है, उसे एक अदृश्य सहारे का एहसास हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में इंसानों ने कल्पनाएं की मृत्यु के बाद की, लेकिन मृत्यु के बाद चेतना विलीन हो जाती है, चेतना हर जगह विलीन हो जाती है। जैसे समुंदर से बूंद अलग हुई और बूंद वापस समुंदर में मिल गई तो वो समुंदर ही हो गई। तो ये पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड एक समुंदर है। चेतना इसी से शरीर में आई और फिर इसी में समा गई। तो चेतना या आत्मा ना कहीं से आती ना कहीं जाती, यहीं है और यहीं पर वापस शरीर के ख़त्म हो जाने के बाद मिल जाती है। लेकिन ये इतना कड़वा वैज्ञानिक सत्य है कि इंसान एकदम से इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। तो इसलिए उसने आत्मा या पितर का कंसेप्ट बनाया कि पितर के रूप में या किसी न किसी रूप में उसके मरे हुए परिजन या जो लवड़बन है वो उनके साथ ही है, उनके पास ही है। तो ऐसे ये कंसेप्ट रन करता है। ऐसे इंसान आगे इन चीज़ों पर विश्वास करते जाते हैं और विश्वास उनके लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर फायदा भी देता है। उनको डिप्रेशन में जाने से, उनको चिंता रोगी बनने से बचा भी लेता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक सच्चाई मैंने आज पूरी बता दी, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या फ़ोन करके बताइएगा, मैं और भी गहराई से इस विषय की सच्चाई आप तक लेकर आऊँगा।